वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं और आज का यूनिट और आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो 11th क्लास की थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन के बारे में होगा। आज हम जो भी टॉपिक करेंगे और इस यूनिट के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो बोर्ड लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या IIT या कोई ओलंपियड या नेशनल एंथे या फिर KVPY हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कीजिए, आप नीट की, एम्स की, IIT जे हर चीज में आपको क्या मिलेगा उसके लेवल के हिसाब से आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और साथ साथ जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसी लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड में होता है और हरियाणा बोर्ड में होता है या किसी स्टेट बोर्ड की बात आप करोगे तो वो सब इसके अंदर क्या होगा, सम्मिलित होगा, सब एक साथ मिलकर करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं। और लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा फिजिक्स का पार्ट है या मैकेनिक्स का पार्ट है जो जितने भी लॉज होते हैं मोशन के उसकी स्टडी कराता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, वी डील विद स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स, जितने भी लॉज होते हैं मोशन के। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि सर इससे पहले वाली जो यूनिट थी जिसको आप काइनेमेटिक्स कहते हो, तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपने क्या स्टडी किया था बच्चों, काइनेमेटिक्स के अंदर आपने स्टडी किया था कि कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया जाए तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। तो वहां पे हमने क्या किया था, एक पार्टिकल को या किसी बॉडी को, मास को मोशन में लेके आए थे। अब उस मोशन के ऊपर जितने भी लॉज लगते हैं तो वो कौन कौन से है वो हमें स्टडी करना है। अब यहां से ये पता नहीं हम क्या शुरू करें इसमें, तो उसका भी एक स्टार्ट करने का भी एक रीजन होता है, उस पर चलते हैं। सबसे पहले सपोज करो कि ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पार्टिकल ये रहा, ठीक है, ये पार्टिकल इसके ऊपर रेस्ट के ऊपर है, ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो है रेस्ट के ऊपर ये मास एम का एक ब्लॉक है। अगर आप इस ब्लॉक को चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एफ फोर्स, यानी कि इसको पकड़ के धकेलना पड़ेगा आपको। जब आप धकेलोगे, आप इसको पुश करोगे, आप पीछे से इसको एक धक्का लगाओगे जिसको आप पुश भी कह सकते हो, जिसको आप क्या कह सकते हो, पुश, वो पुश करोगे तभी ये ब्लॉक मोशन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लेके आना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आगे से कोई ट्रेन आ रही है और ट्रेन को आप क्या करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो आपसे नहीं रुकेगी। उसी प्रकार मैं एक आप बात बताता हूं, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वही सेम ब्लॉक है, इसका मास एम है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ चल रहा है। अगर आप इसको स्टॉप करना है तो आप इसकी तरफ क्या लगाओगे, एक फोर्स लगाओगे। ये रेस्ट के ऊपर था, इसको चलाना है तो फोर्स लगाओगे। इस ब्लॉक को चल रहा था कितनी वेलोसिटी के साथ बच्चों, वी वेलोसिटी के साथ, इसको रोकना है तो भी फोर्स लगाओगे। यानी कि जब आप इसको चलाते हो, चलाने की कोशिश करोगे तो आपने क्या किया, पुश किया इसको, और रोकने की कोशिश करते हो तब भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानना है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले इस फोर्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो क्या किया मैंने, इस फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इस फोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना होगा फोर्स के बारे में, दैट इज फोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो जब फोर्स के बारे में स्टडी करने से पहले वही है, थोड़ा फिजिकली मैं आपको बताऊंगा और उसी के बाद आपको समझाऊंगा, और फिजिकली समझने के बाद ही आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी 100% समझ नहीं आएगी आप उस कंसेप्ट को किसी न्यूमेरिकल के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पे नहीं लगा पाओगे, अच्छे से नहीं लगा पाओगे, तो आपसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फिजिक्स के सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट को सीखिए क्या कहता है। देखिए क्या किया मैंने, इसको पुश किया, इसको पुश किया, पुश किया तो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा किसी भी वेलोसिटी के साथ। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे पुश लगाया है। इसी प्रकार मैं सिमिलर सिचुएशन यहां पे बना देता हूं, ये सिचुएशन दूसरी बना दी मैं, और ये सिमिलर ब्लॉक हो गया और इसका मास कितना एम है। यहां पे मैंने कह के एक रस्सी को बांध दिया, एक रस्सी को बांध दिया यहां पे रोक, और एक इंसान पकड़ के इसको खींच रहा है, इसको पकड़ के यहां से खींच रहा है। जब इसको पकड़ के खींचेगा तो ब्लॉक किस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा। इसको कहते हैं पुल, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल। इसको क्या कहा, पुश। अगर आप इस तरह ऐसे किसी बॉडी के ऊपर ऐसे करके फोर्स लगाते हो उसको पुश कहते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड को ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इसको पुश कहते हैं। अगर इस बोर्ड पर रस्सी बांध के मैं बाहर की तरफ खींचू उसको क्या कहेंगे, पुल कहेंगे। तो फोर्स एक पुश भी होता है, पुल भी होता है, क्योंकि पुश के कारण भी वो चलना स्टार्ट हुआ, पुल के कारण भी वो चलना स्टार्ट हुआ। तो फोर्स क्या होगा, एक टाइप ऑफ पुश और पुल। आप अगर कहोगे
तो फोर्स इज पुश और पुल, फोर्स इज पुश और पुल, पुश और पुल विच विच चेंज और ट्राई टू चेंज, विच चेंज और ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी और पोजिशन या स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट और शेप ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट और शेप ऑफ द बॉडी। अब यहां तक तो आपको समझ आ गया कि इसको पुश भी कहते हैं, पुल भी कहते हैं फोर्स को, क्योंकि दो सिचुएशन से मैंने समझा दिया। अब बात आती है कि ट्राई टू चेंज, चेंज और ट्राई टू चेंज। सबसे पहले चेंज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके ऊपर ये पुश लगाया या फिर ये पुल लगाया, तो क्या हुई इसकी स्टेट में चेंज, पहले की स्टेट में थी रेस्ट के ऊपर थे, दोनों ब्लॉक रेस्ट के ऊपर थे और फिर ये मोशन में आ गई, तो उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर आपने बात लिख दी अच्छी है, अब आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि ट्राई टू चेंज। अब तो आपने क्या किया, ट्राई टू चेंज लिख दिया। तो ट्राई टू चेंज की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया उसको देखिए। जब आप ट्राई टू चेंज की बात करें, सपोज कीजिए आगे से क्या रहा, आगे से एक गाड़ी आ रही, ठीक है, कोई भी इसका मास m है और ये गाड़ी इस तरफ चल रही है। यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ये इसको स्टॉप करना चाहता है, ये इसको रोकना चाहता है, तो क्या गाड़ी रुकेगी, नहीं रुकेगी, बट ये कोशिश तो कर रहा है उसको रोकने की, तो उसको कहते हैं ट्राई टू चेंज। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, मोशन में है। कौन सी स्टेट में बच्चों, मोशन में। और ये जो मैन खड़ा हुआ है ये क्या कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि किसमें आ जाए, रेस्ट की स्टेट में आ जाए। तो यहाँ पे कौन सी है, मोशन में है, बट ये नहीं लेके आ सकता क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सिमिलरली एग्जांपल इससे समझ नहीं आ रहा, आगे से ट्रेन आ रही है, मैं कहूं इसको रोको, आप आगे से एक फोर्स लगा के रोको या पीछे से उसको रस्सी बांध के पीछे से खींच के रोको, नहीं रोक सकते। आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इसलिए कहते हैं पुश, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट और शेप ऑफ बॉडी। अब स्टेट की तो बात हो गई, आपने बता दिया कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे, अब शेप की भी बात कर लेते हैं। आपके हाथ में बैलून है, बैलून को आप प्रेस कीजिए, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो वो क्या होगा, इसलिए मैंने कहा है कि या तो स्टेट को चेंज करे, वो रेस्ट पे है या मोशन में आई हुई है, मोशन में आएगी या तो रेस्ट पे होगी, रेस्ट में है तो मोशन पे हो जाएगी, और या फिर उसकी शेप को चेंज करे। तो ये कंसेप्ट था पुश और पुल का, ये कंप्लीट कंसेप्ट इस डेफिनेशन के बारे में गो थ्रू हो गए हैं, एक एक चीज आपको इसमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फोर्स की थ्री टाइप्स होती हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होती है फोर्स की, फर्स्ट टाइप, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। तीन टाइप होती है, सबसे पहली है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स का मतलब होता है कि जहां पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, जहां पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट किसी दो बॉडी के बीच में जरूरी नहीं होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फील्ड फोर्स इज द फोर्स, फोर्स वेयर where actual contact is not necessary, actual contact is not necessary, जहां पे actual contact की जरूरत होती ही नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, field force कहते हैं। इसका example मैं ले लेता हूं, इसका example बता देता हूं। सबसे पहला इसका जो example होगा, weight of body, वेट ऑफ बॉडी। कैसे, मैं आपको यह भी बता देता हूं। सपोज करो कि हमने क्या किया, एक पुली ली ऐसे और उस पुली से किसी इसको लटका दिया और ये इसका मास क्या हो गया, एम के बराबर हो गया, ठीक है। यहां से इस चीज को लटका दिया है और इस चीज को लटकाने के साथ साथ एक इस तरफ मैंने इसको एम मास के साथ, ये पोजिशन है हमारे पास। अगर ये पोजिशन है, इसके ऊपर क्या मास है, मास एम है, तो इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा mg। तो आपको यहां पे कोई कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंड है। सपोज कीजिए मैं हाथ में पकड़ के ऐसा ब्लॉक है और एक रस्सी से बांध के ऐसे लटका दूं उसको नीचे की तरफ, तो यहां पे किसी प्रकार के कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए वेट इज अ फील्ड फोर्स। यानी दो बॉडीज के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि वेट एक ऐसा एग्जांपल है, फील्ड फोर्स का एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड टाइप का जो फोर्स होता है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप का जो फोर्स होगा आपका, वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स ही नाम का फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहां पे क्या होगा, एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। इसमें क्या होगा बच्चों,
एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। यहां पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। आप एग्जांपल इसके ले सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स आगे आएगा आपको पढ़ाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इसका एग्जांपल होता है। कैसे, सपोज कीजिए आपने छोटी क्लासेस में 9th-10th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, मैंने इसकी तरफ एक फोर्स लगा दिया जिसको पुल कहेंगे, इसलिए तो क्या कहते हैं, पुल को भी फोर्स कहते हैं, पुश को भी फोर्स कहते हैं। तो ये किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, तो इसके इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो फोर्स हमेशा क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। कैसे, जैसे आप एक बार एयर में चल रहे हो तो एयर ने रेजिस्टेंस लगाया वो महसूस नहीं होता, अगर उसकी बजाय आप वाटर में चलना स्टार्ट हो जाओगे तो आपको वाटर में चलने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कंपेयर टू जब आप एयर में चलोगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर में क्या लगाया, ज्यादा रेजिस्टेंस लगाया, किसमें, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी प्रॉपर्टी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शन, इन दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट हुआ तभी ये फोर्स आया, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर ये यहां पे कॉन्टैक्ट ना होता तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आता। इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, ये फील्ड फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि जब आप आगे जाओगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे लॉज ऑफ मोशन में, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मैं पूछ चुका कि कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होंगी तो कौन सा आएगा जी, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो कौन कौन से फोर्स आएंगे जी, वेट आएगा, टेंशन आएगा, ये सब बातें वहां पे काम आएंगी। इसलिए मैं इनके एग्जांपल के साथ साथ आपको ये सब बता रहा हूं। थर्ड टाइप का जो फोर्स होगा उसको कहते हैं हिंग फोर्स। ये तो आपने दो पढ़ लिए, इसको मैं साफ कर देता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप के फोर्स के बारे में। ये सब फोर्स के बारे में चल रहा है, आपको बड़े ध्यान से कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहना। और जो थर्ड टाइप का फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हिंग फोर्स, उसको कहते हैं हिंग फोर्स, थर्ड टाइप का फोर्स, ठीक है। अब हिंग फोर्स कैसे होता है, इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते। सपोज कीजिए यहां पे कोई भी एक आपने जो रिंग लगा रखा है उस रिंग से इस रोड को मैंने ऐसे ऐसे इसको बांध दिया इस टाइप से, ठीक है। इस रोड को यहां पे और इससे इस तरफ क्या है, ये रोप है, इस तरफ क्या है, ये रोप है। रोप को फिजिक्स में क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या किया, इस रोड का इस पार्ट को तो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जो ए है, और बी पॉइंट के ऊपर एक रिंग लगा दिया जिसको हिंज पॉइंट कहते हैं। ये हिंग पॉइंट होता है इसका, हिंग पॉइंट जहां पे इसको हमने टाइट कर रखा है। सपोज कीजिए आपके घर में कोई भी जो है नेल्स लगा रखे, आपने कोई भी हिंगर जिसको हिंगर कहते हैं वो लगा रखा है, और उसके अंदर से आपने क्या किया, एक रोड को ऐसे लटका दिया है, ठीक है। इस रोड में क्या होगी बच्चों, इस रोड में टेंशन आएगी, टी टेंशन आएगी, और ये जो फोर्स होगा इस रोड के ऊपर जो हिंग ने लगा इसको क्या कहते हैं, हिंग फोर्स कहते हैं। ये तीसरा फोर्स आ जाएगा, और ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा कहीं पे किसी पॉइंट पे हम उसको जब हिंग करेंगे, हिंग फोर्स इसलिए कहते हैं। तब तक नहीं आएगा जब तक उसको कहीं पे हिंग नहीं किया जाएगा। जैसे जनरल घर में क्या होता है, हैंगर होता है, उसको हैंग करते हैं, उसी प्रकार जब किसी रोड को, किसी प्लेट को, किसी डिस्क को, किसी चीज को जब हैंग करेंगे तो तब जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज का हैंग फोर्स। तो ये जो कंसेप्ट था, ये तीनों के तीनों किसके बारे में थे, ये हमारे फोर्स के बारे में थे कि कितने टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, क्योंकि थर्ड यूनिट के अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जानना जरूरी है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एक चीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि जब कोई कंसेप्ट आपको अच्छे से आता होगा तभी आप उसको क्वेश्चंस पे या न्यूमेरिकल पे लगा पाओगे, नहीं तो उस कंसेप्ट को आप लगा नहीं पाओगे। आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो ये रेफरेंस फ्रेम जो होता है, एक जिसके अंदर कौन बैठा होता, ऑब्जर्वर, एक होता ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्व करता है, जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और अपनी क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस बनाता है। कैसे, इस बात को समझिए, इस बात को मैं समझा देता हूं आपको। सपोज कीजिए ये गाड़ी है और इसके अंदर ये दो इंसान बैठे हुए जा रहे हैं,
बैठे हुए जा रहे हैं। ये ड्राइवर है और ये पहला इंसान है। ये है बस स्टैंड बाहर, ये बस स्टैंड, बस स्टैंड, और इस बस स्टैंड के ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है जिसको कहेंगे दो नंबर। ठीक है, अब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ जा रही है। सबसे पहले मैं पूछता हूं इस पहले आदमी से कि ये ड्राइवर है जो डी का मतलब ड्राइवर, ये फर्स्ट इंसान, इस पहले आदमी के रिस्पेक्ट में ड्राइवर मोशन में है या रेस्ट के ऊपर है। अगर मोशन और रेस्ट के बारे में नहीं पता तो ये आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, यूनिट नंबर सेकंड की, जब स्टार्टिंग है काइनेमेटिक्स, वहां से ऊपर बेल आइकन के बटन, जब आइकन में जाओगे वहां पे वीडियो का लिंक मिलेगा। तो ये आदमी जो अंदर बैठा है इसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। रेस्ट के ऊपर कब कहते हैं, अगर किसी बॉडी की पोजिशन चेंज नहीं होती टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मेरी पोजिशन चेंज नहीं हो रही तो मैं रेस्ट में हूं, अब मैं चल रहा हूं तो मेरी पोजिशन चेंज हो रही है तो मैं किस में आ गया, मोशन में आ गया। जब ये पहला ड्राइवर, पहला इंसान इस ड्राइवर को देखेगा, ये पहला इंसान इस ड्राइवर को देखेगा तो क्या कहेगा, जी ये रेस्ट के ऊपर है। अगर मैं पूछूं इस दूसरे इंसान से कि ये ड्राइवर किसके ऊपर है तो ये कहेगा मोशन में है। तो ये किसका फर्क हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क हुआ। अगर पहले इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं देखूं तो ये ड्राइवर किस में है, रेस्ट के ऊपर है। अगर दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं तो ये ड्राइवर किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए फ्रेम, ये क्या होता है, फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड, इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड, जहां पे कौन होता है भाई, ऑब्जर्वर होता है, एंड मेक्स ऑब्जर्वेशन, मेक्स ऑब्जर्वेशन, जो अपनी ऑब्जर्वेशन बनाता है। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वर प्रेजेंट होता है और अपनी क्या बनाता है, ऑब्जर्वेशंस बनाता है। जैसे अभी अभी बनाए, अगर इसके फ्रेम की बात करें पहले इंसान की तो ये किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो किस में होगा, मोशन में होगा। तो इसलिए अपने अपने फ्रेम के हिसाब से वो अपनी बातें बताते हैं, अगर पहले से पूछता तो रेस्ट, दूसरे से पूछता तो मोशन। इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कितने टाइप का होता है। तो ये दो टाइप्स का होता है बच्चों, सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्शन एक्सेलरेटेड नहीं होता। जब यूनिट नंबर सेकंड आई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी कब एक्सेलरेटेड होती है, कब नॉन एक्सेलरेटेड होती है, वो सब बातें इससे पहले वाली यूनिट में काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो कंप्लीट जो डिटेल्ड वीडियो है उनके बारे में, और जो कंप्लीट सीरीज है उनकी ऊपर आइकन में आपको डाल दूंगा एक साथ लिंक, आपको उसके सारी वीडियो प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, वो देखिए जाके आपको पता चलेगा कि कोई बॉडी कब एक्सेलरेटेड में होती है और कब अनएक्सेलरेटेड होती है। तो इनर्शियल फ्रेम is the frame in which inertial frame is the frame in non which is non accelerated, inertial frame is a frame which is non accelerating frame, non accelerating frame, ठीक है, non accelerating frame, ठीक है, जो क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है, जिसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, या तो क्या होनी चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन, या कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए, तब उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कह सकते हो इट इज द फ्रेम व्हिच इज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम इज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरी डेफिनेशन है जो जनरल बुक में आपको मिल जाएगी, जिसमें न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, ये डेफिनेशन भी आप यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगी, लिखी मिल जाएगी बुक्स में, जो एक सिंपल से होते हैं, लिख देता हूं मैं और में लिख देता हूं उसको, फ्रेम इन विच न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शियल कहेंगे। तो दो डेफिनेशन बताई, सबसे पहले विच इज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एक्सेलरेट नहीं होगा, या तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी।
दूसरे एग्जांपल मैंने दूसरी डेफिनेशन बताई, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, जिसमें न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये आप दोनों किसी भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, चाहे इसको लिख सकते हो या इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है। एग्जांपल की बात करेंगे इसका, तो हम क्या कह सकते हैं, लिफ्ट एट रेस्ट। सबसे पहला एग्जांपल लिफ्ट एट रेस्ट। अब आप लिफ्ट में बैठे होंगे, कहीं मॉल में गए होंगे, तो अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो रेफरेंस है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपको यूनिट नंबर सेकंड में ये बता गया था, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, जीरो होती है। इसलिए कहा है कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। या कोई भी लिफ्ट है वो रेस्ट के ऊपर होगा, वो भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो ये पहला था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसके बाद सेकंड चलते हैं, अगर आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके, पॉज करते रहो, लिखते रहो। अब सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या होता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एन एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या बताया मैंने, जो फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग होगा उसको तो इनर्शियल कहेंगे, जो फ्रेम एक्सेलरेटिंग होगा यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वो इनर्शियल बन जाएगा। जिसकी एक्सेलरेशन जीरो ना हो ना कॉन्स्टेंट हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी क्रम में इसकी बात करोगे, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज क्या नहीं होते, एप्लीकेबल नहीं होते, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। वो 9th-10th में आप डेफिनेशन लिखते थे, बच्चों वाली डेफिनेशन होती थी, जिसमें न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिसमें एप्लीकेबल होते उसको इनर्शियल फ्रेम। अब आप बड़े हो गए, देखोगे कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एग्जांपल के तौर पे कार मूविंग विद वेलोसिटी, एग्जांपल के तौर पे कार मूविंग विद moving with velocity, अगर कोई कार velocity के साथ move कर रही है उसको हम कहते हैं। एक खास बात बता दूं, important बात, इस दुनिया में कोई भी inertial frame of reference नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर inertial frame of reference exist नहीं करता, हमेशा non inertial frame of reference ही exist करते हैं। तो inertial frame of reference यूनिवर्स में exist नहीं करता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। यूनिवर्सल में इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। जनरल लाइफ में जो भी कुछ आप देखते हो सारे कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन था वीडियो को और साथ में कुछ बातें मैंने बताई। मैं कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको किसी न्यूमेरिकल पेपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।